देश की जनता के मन में बहुत सारे इल्जाम हैं। सबसे ज्यादा बॉटम तीन में आने वाली आप हैं। कैसे टिकी हुई शो? जो कुछ कमेंट आप करते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है। कट कर। इंडियन आइडल के मंच पर रचने वाली है राजद जी की अदालत, तो कैसे कर पाएंगे हमारे जजेस और कंटेस्टेंट इस इल्जाम का सामना जो कि हमें आज इंडियन आइडल के मंच पर देखने को मिलेगा जब रजत शर्मा जी स्पेशल गेस्ट बनकर आएंगे। साथ ही साथ यह वीकेंड दोस्तों शॉकिंग एलिमिनेशन वीकेंड रहने वाला है जिस दौरान की टॉप 6 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया जाना है। इसका मतलब है कि आज हो सकता है कि इस वीकेंड में हमें कोई एक कंटेस्टेंट या डबल एलिमिनेशन भी देखने को मिले। जहां तक बात करें हमारे टॉप 8 कंटेस्टेंट के ग्राफ की दोस्तों, जिस दौरान की अंजना, दीपन मित्रा, पीयूष पवार और वैभव गुप्ता हमेशा ही बॉटम लिस्ट में रहे हैं दोस्तों, और इनके वोटिंग लाइन भी जिस हिसाब से खुली रहती है और उन्हें जिस तरीके से लोगों से प्यार मिल रहा है वो बहुत ही कम है। इस वजह से मैं भी हो सकता है कि इनमें से ही कोई 4 कंटेस्टेंट में से कोई 2 का शो से एलिमिनेशन हो जाए। यह वीकेंड देखने लायक होने वाला है जिस दौरान की सैटरडे के दिन में हमें सभी कंटेस्टेंट के एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे और संडे के दिन में कोई 2 एलिमिनेट हो जाने वाला है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कंटेस्ट जिनका की शो से सफर समाप्त हो जाएगा, क्या वह अंजना पद्मनाभन होने वाली है या दीपन मित्रा, पीयूष पवार, वैभव गुप्ता, यहां तक कि क्या आद्या मिश्रा भी हो सकती हैं? आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे हमें यह उम्मीद है दोस्तों कि इस वीकेंड में कोई एक कंटेस्टेंट का सफर समाप्त होगा और आने वाले वीकेंड में दूसरे कंटेस्टेंट का। वैसे ये हमारा प्रिडिक्शन है दोस्तों, एपिसोड के दौरान में ही यह हमें जानने को मिलने वाला है। उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा जिसमें आपने इन सभी बातों को जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडियन आइडल 14 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।